मुआवजा न मिलने से आक्रोशित किसानों ने फोर लेन निर्माण कार्य को फिर से रोका। नमस्कार, मैं रोशनी सिंह, तहलका न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज का मुख्य समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज और मैं हूं विनय ज्ञानचंद्र। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के घोसी में तहसील क्षेत्र के लाखीपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय के निकट फोर लेन निर्माण कार्य को किसानों ने मुआवजा न मिलने के कारण शुक्रवार को रोक दिया। घोसी तहसील क्षेत्र के लाखीपुर व तेरई बुजुर्ग गांव के होकर फोर लेन के चौड़ीकरण का कार्य लाखीपुर व तेलई बुजुर्ग के दर्जनों किसानों द्वारा रोके जाने की खबर जब एसडीएम घोसी डॉक्टर सीएल सोनकर तथा घोसी कोतवाली पुलिस को मिली तो मौके पर वहां पहुंचकर किसी तरह आक्रोशित किसानों को समझा बुझाकर हटाने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने कहा कि जब तक हम लोगों की जमीनों की मन माफिक पैसा मिल नहीं जाता तब तक हम लोग अपनी जमीनों पर फोर लेन का कार्य नहीं होने देंगे। किसानों ने यह भी बताया कि वहीं एनएचआई के लोगों ने कहा कि जिन किसानों की जमीन अग्रेसित फोर लेन के लिए की गई है, पहले फोर लेन का कार्य तो होने दो, मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन किसान अड़े रहे कि नहीं, काम हम लोगों की जमीनों पर तभी होगा जब तक हमारी जमीनों का मुआवजा आज के रेट पर हम लोगों को मिल न जाए। उपस्थित अधिकारियों ने किसानों को काफी समझा बुझाकर आश्वासन दिया कि जल्दी आप लोगों की जमीन का मुआवजा मिल जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद ही किसान लोग वहां से हटे और अपने अपने घर गए। अब देखना होगा कि क्या फोर लेन के लिए किसानों की ली गई जमीनों का मुआवजा कितना जल्दी और कब तक उन तक पहुंच जाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो किसान आम्र अनसर पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए तहलका न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमको भुगतान दे दिए और अपना बना लीजिए, तो वो लोग भुगतान नहीं दे। क्या नाम है आपका? आशा देखिए। क्या पूरा मामला क्या है? मामला यह है कि हम लोग को भुगतान नहीं मिला और बना पैसा नहीं मिला, जमीन निकल गई, हाँ फोर लेंथ का, और पैसा नहीं मिला और बनाना शुरू लोग कर दिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, बार बार कहते हैं भाई आप लोग हम लोग पैसा दे दीजिए और बना लीजिए। अधिकारी का हाँ देंगे देंगे, और अधिकारी दिए भी नहीं, अधिकारी नहीं दिए। पहले रोड बनेगा तो पैसा मिलेगा, तो बना नहीं, वो लोग हम लोग को परेशान कर रहे हैं। क्यों परेशान? आप लोग क्या मांगे हैं? मांगे हैं कि हमारा पैसा चाहिए, हमारा भुगतान चाहिए। अभी यहाँ अधिकारी मौजूद है, वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं जबरदस्ती हाँ बना रहा। हम लोग को पैसा मिलेगा। सर नाम बताइए। मानधाता सिंह नाम है मेरा। सर क्या पूरा मामला क्या है यहाँ पे? दरअसल बहुत दिनों से हम लोगों का मामला लटका पड़ा है। तिलई बुजुर्ग का मामला ये है कि रेट कम लगा के भेजा गया था, जिसके खिलाफ हम लोग आर्बिट्रेशन में गए। आर्बिट्रेशन से हम लोगों के पक्ष में फैसला आ गया कि रेट गलत लगा है, इसको सही रेट करके सर्किल रेट पर और किसानों का भुगतान किया जाए। इसके बाद 22 महीने तक हम लोग इंतज़ार किए। 22 महीने के बाद एनएचआई ने फिर एक स्लैब सिस्टम लेकर आ गया कि 1 से 60 ईयर तक जिसका रहेगा उसका हम इतना पर भुगतान करेंगे, 60 से ऊपर रहेगा तो इतना पर भुगतान करेंगे कम पर। तो उस स्लैब के खिलाफ फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ गए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उस स्लैब को फिर खारिज कर दिया। उसके पुनः बाद करीब 4-5 महीने बाद एनएचआई फिर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ उसने वो किया, अप्लाई किया, मुकदमा किया। वहाँ से एडमिशन पर ही उसका मुकदमा खारिज हो गया, फिर किसानों के पक्ष में फैसला हुआ और आज तक ये हम लोगों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि हम अपने जो हमारी ज़मीन है उस पर हम काम करेंगे, जब आपके ज़मीन पर काम करेंगे तो हम आपको पैसा दे देंगे, या प्रोसेस में है आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये ठोस आश्वासन कोई नहीं दे रहे हैं कि हमारा पैसा कब तक देंगे। क्योंकि ज़मीन अधिग्रहित है, हम उसको कुछ कर भी नहीं सकते, हम कुछ करेंगे तो हम दंड के भागी होंगे। ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। किसानों के साथ ये सीधे सीधे लेट लतीफ़ी है, और ये सरकार अगर जो सुन रही है इसको तो किसानों का तुरंत पेमेंट कराओ, नहीं तो किसान यहाँ आत्महत्या कर लेंगे। क्या कुछ करेंगे अगर ये मुआवजा नहीं दे रहे हैं? मुआवजा नहीं करें तो हमारे पास रास्ता क्या? हम आत्महत्या करेंगे, आत्महत्या करेंगे, आग लगाएंगे, सीधे सड़क पे खड़ा होकर आमरण अनशन करेंगे, इसके बाद आत्महत्या करेंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार प्रशासन होगा, एनएचआई होगा, एनएचआई होगी और जिला प्रशासन होगा, जेपी होगी। कौन है? फिर नाम बताइए। क्या नाम है? हमारा नाम अभिराज चौहान है और हम लाखीपुर और तिलई बुजुर्ग के किसान हैं।
हमारी जमीन एनएचआई में अधिग्रहित की गई है, लेकिन बिना भुगतान कराए और एनएचआई के लोग हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, और हम यही चाहते हैं कि हमारा भुगतान जब तक न हो जाए तब तक हमारी ज़मीन पर कब्जा न किया जाए। कोई फोरलैन का अधिकारी भी आया क्या आज? हमारे यहाँ एनएचआई के टेक्निकल मैनेजर आए हुए हैं और एसडीएम घोसी एसएल सोनकर साहब आए हुए हैं। तो क्या मांगे आप? हमारी मांग है कि जब तक भुगतान नहीं हो जाता है तब तक हमारी ज़मीन पर कब्जा न किया जाए। भुगतान अभी तक नहीं हुआ? नहीं, पिछले और ये लिखित कोई लिखित दे भी नहीं रहे हैं कि हम कब तक भुगतान करेंगे। लेकर आपने बड़े अधिकारियों को किसी हमारी यहाँ जिला अधिकारी से लेकर के और मुख्यमंत्री तक हमारी गुहार लगी हुई है कि हमारा भुगतान करके ही कोई काम किया जाए। अभी तक क्या आश्वासन? अभी तक कोई लिखित आश्वासन हमको नहीं मिला हुआ है। अगर मुआवजा नहीं मिला तो ये काम स्टार्ट? हम काम नहीं होने देंगे जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिल जाएगा, हम अपनी ज़मीन पर काम नहीं होने देंगे। सियासत हो या क्राइम, सामाजिक सरोकार हो या राजनीति, घोटाला हो या बयान, हर तरह के खबरों का गुलदस्ता सिर्फ तहलका न्यूज पर। तहलका न्यूज रखे सारी खबरों को सबसे आगे, सिर्फ खबर ही नहीं भरोसा भी।